भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे।
जी कहते हैं पिताजी भगवान के मधुर रसमय कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनने से चित्त उधर की खिन्नता खिल जाता है। गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले यह कथा होते हैं। प्रभु कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है कर्षण इति कृष्णः। महाराज जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम कृष्ण है। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव जी के मन और बुद्धि में बैठ गया। महाराज इस तरह 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात की अच्छी तरह से चित्त में बैठ गई। तुम तुरंत त्याग दो, वन को चले जाओ, संतों को बीच रहकर श्रीमद् भागवत के पाठ पारायण करने से भगवत चरण बिंद में रचित करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। इधर पिताजी जब घर से चले गए तब धुंधकारी का आतंक और बढ़ गया। पहले तो घर में जितना धन संपत्ति थी उसको एक एक करके बेच दिया, ठिकाने लगाया। बाद में क्या हुआ, पिताजी जैसे निकले तो धुंधकारी चोरियां करने लगा, पड़ोसियों के यहाँ जा जाकर के चोरियां करने लगा, गांव के क्षेत्र में चोरी करने लगा और 5-5 बड़िकाओं को ला करके अपने घर में रख लिया। महाराज जब इस तरह का माहौल गोकर्ण महाराज ने देखा, उन्होंने अपनी मर्यादा बचाते हुए घर से संन्यास ले लिया, घर को छोड़ करके चले गए हरिधाम। श्रीधाम वृंदावन होते हुए बद्री का आश्रम की तरफ गोकर्ण जी निकल लिए। अब क्या किया, धुंधकारी चोरियां करता और चोरी कर करके घर चलाता, घर में तो कुछ रह नहीं गया। तो माता धुंधुली जी एक दिन दुखित हुई, इसकी यह कृत्य देख करके दुखित होकर उन्होंने रात्रि में घर से निकली और बारिश का महीना था, बरसात चल रही थी और घर से बाहर निकली तो बीच में अंधकुंभ मिला, एक कुआं मिला पानी से भरा हुआ था, जाकर के उसी में गिर गई और उनका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब धुंधुली देवी जी चली गई, अब गोकर्ण महाराज भी चले गए, पिताजी भी समाप्त हो गए, अब धुंधकारी बचा अकेला। अब अकेला चोरी करता, 5-5 गड़ियाओं को पालता, मदिरा पान करता, बड़ा रहता। एक दिन तो हद हो गई, उसने राजा के दरबार में गया, बहुत सारी संपत्ति लूटा। गड़िकाओं ने उसको आग्रह किया कि हमें और धन की आवश्यकता है। उसने राजा के राज्य में गया और राजा के राजमहल में घुस करके बहुत सारी सामग्रियां चुरा करके लाया, बहुत सारा धन था, हीरे जवाहरात आदि आदि। तो गड़िकाओं ने विचार किया, धुंधकारी लाया तो, पर गड़िकाओं ने रात्रि में विचार किया कि ये आज राजा के घर में चोरी किया, बहुत सारी संपत्ति है और अगर राजा को पता चला तो हम किसी को छोड़ने वाले महाराज नहीं है, सबको फांसी हो जाएगी। तो उन्होंने इसको मदिरा पिलाया और रात्रि में पांचों गड़िकाओं ने विचार किया इसको मार देना चाहिए और रस्सी लेकर के दो साइड में लग गई और गले में रस्सियां लगा करके गोविंदाय नमो नमः कर दी। एक ने जो पांचवी थी, चार तो रस्सी लगा ली, पांचवी जो थी उसने सोची कि कहीं अभी जिंदा न हो, कल का पुनः खड़ा हो जाए। उसने घर में जो चूल्हे में अंगारे जल रहे थे, लकड़ियों से भोजन जो बनाते हो, वह अंगारे लेकर के आए, उसके मुंह में ठूंस ठूंस के मारा कि ये जीवित न रह सके। इस तरह से उसको दुर्गति से मार दिया और मां खजाना लेकर के गड़िकाएं निकल ली। अब धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, पिताजी चले गए, माताजी परम धाम चली गई, गोकर्ण भाई जो थे वो भी चले गए बद्रिका आश्रम की तरफ, हिमालय की तरफ। अब क्या हुआ, ये परम धुंधकारी जो है प्रेत बना और प्रेत बन गया। तो गोकर्ण महाराज को पता चला
कि हमारा भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई। माता के बारे में उन्होंने सुना तो माता के लिए सारे तीर्थों में पिंडदान किया, लेकिन जब धुंधकारी की बातें कान में सुनाई पड़ी तो गोकर्ण जी बड़े दुखी हुए और उसी दुख मन से हर जगह जा करके उन्होंने इनका भी पिंडदान कर लिया। बोलने पिंडदान करने से परम गति प्राप्त होती है। बोले काशी प्रयाग में आदि आदि में जाकर के गोदावरी में हर जगह पिंडदान, यहाँ जा गए कहाँ कहाँ पिंडदान किए। अब पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी का एक बार मन विचार आया मन में कि चलो अपने जन्मभूमि की तरफ एक बार देख ले। तो गोकर्ण जी संकोच करके सोचते अपने घर में आते के आने के लिए, और सोच सोच करके ऐसे आए कि रात्रि में ग्राम ग्राम के अंदर पहुंचो। दिन में जाओ तो सब लोग देखेंगे, बोलेंगे आइए महाराज जी, सारी चर्चा बातें होगी। तो बोले रात्रि में जा करके और अपने घर में प्रवेश कर जाऊंगा, दिन में लोगों से मिलेंगे। अब गोकर्ण जी रात्रि में घर में पहुंचे तो घर में क्या हुआ, जिस घर में एक दो साल तीन साल क्या छोड़ो छह महीने जिस घर में कोई नहीं है, उस घर की हालत देख लो, 25 मंजिल 40 मंजिल के अंदर, और जो जिसका घर जमीन से लगा है तो उसके घर की हालत क्या होगी। बोले गर्मी गई, गर्मी के बाद बरसात आई, बरसात में घास फूस हो गए, बड़े बड़े घास फूस हो गए। अब गोकर्ण जी आए तो कहीं बैठने की जगह नहीं, थोड़ी सी जगह अपने विश्राम के लिए उन्होंने बनाया, साफ करके और विश्राम करने के लिए जगह बनाई। और जैसे उन्होंने जैसे तैसे विश्राम करने लगे, आंख लग गई तो प्रेत प्रेत खड़ा हो गया धुंधवारी सामने। कभी भैंसे का रूप बना ले, कभी बछड़े का रूप बनाए, कभी बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए। गोकर्ण महाराज देखे कि ये कौन है, बार बार भेष बदल रहा है। उन्होंने बोला तू कौन है जो मेरे सम्मुख इस तरह भेष बदल रहा है। ये बोला महाराज मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले तू प्रेत कैसे बना, तेरे तो हमने हर जगह पिंडदान किए, काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र जहाँ जहाँ मैं गया, गोदावरी में गया संगम में गया, हर जगह तेरा पिंडदान किया, लेकिन तुझे प्रेत योनि कहाँ से मिले, तू अभी तक तरा नहीं। बोला भैया हम तो अभी भी प्रेत है। उन्होंने गोकर्ण जी महाराज बोले ठीक है तू ठहर कुछ करता होगा। उन्होंने हाथ में जल लिया जो क्षेत्र से घूम के आए थे, जैसे हमारे गोरसे साहब गए थे कहाँ कहाँ घूम कर गए थे, हम लोग गए थे अभिषेक कराने के लिए, कमंडल में जल लाए थे, गंगा जी का जल कहाँ कहाँ के संगम में जल ला कर उसी से रुद्र अभिषेक कराए, पंडित जी सब गए थे हाइट पार्क में। बोले उसी तरह वो क्षेत्र घूम करके आए, कमंडल में जल लाए थे, उसी जल को हाथ में लिया अभिमंत्रित करके धुंधकारी के ऊपर मारा, धुंधकारी शांत हो गया। और गोकर्ण जी बोले देख ऐसा है रात्रि में हमें विश्राम करने दें और सुबह होते होते तेरे लिए मैं कुछ करूंगा। रात्रि तो किसी तरह निकल गई गोकर्ण महाराज की, और सुबह गांव वालों को पता चला, सभी मिलने जुलने के लिए आने लगे। अरे गोकर्ण महाराज आए, गोकर्ण महाराज आए। अब गोकर्ण जी आए तो गोकर्ण महाराज ने गांव वालों के बीच में बैठ करके और चर्चा की कि हमारा भाई प्रेत योनि में हमें मिला रात्रि में, उसके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। संत महात्माओं के बीच में गए, विद्वान ब्राह्मणों के बीच में गए, और महाराज प्रेत मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए आप उपाय बताओ। किसी ने जब कुछ नहीं बताया तो गोकर्ण महाराज चिंतित हो गए, तो आकाशवाणी हो गई, अरे गोकर्ण महाराज भागवत सप्ताह करो, तुम्हारा जो भाई प्रेत योनि में है उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण महाराज ने तुरंत व्यवस्था की, जैसे आप सब लोगों ने मिलकर के व्यवस्था की, तुरंत उन्होंने व्यवस्था की, ब्राह्मणों को बुलाया, संगीत वालों संकीर्तन वालों को बुलाया, सभी को बुलाया, भंडारे की व्यवस्था कर दी समझ लो किसी जगह। अब गोकर्ण जी बैठ गए कथा सुनाने के लिए, सारे गांव वाले आकर के बैठ गए, और धुंधकारी भी कथा सुनने लगा। तो धुंधकारी जब कथा सुनने लगा तो जगह देखने लगा कि प्रेत योनि में कहां बैठूं, तब तक कुर्सियां टेबल में बैठे हैं, मैं कहां बैठूं। तो उसको एक बांस दिखाई दिया, बांस के कोड़े होते हैं, कोट होते हैं ना बांस के, इसके लट्ठे बनाते हो, तो बांस दिखाई दिया, एक बांस टूटा हुआ था, पूरे तो अच्छे थे, एक टूटा हुआ था बीच में, उसी के बांस के बीच में थोड़ी सी जगह थी, जाकर के बैठ गया। जो बांस ये सामने विजय भाई ने लगवाया, आप लोगों ने मिल करके जो ये 7 कोड़े का बांस लगा है आपके सामने, तो ये बांस है उसी लिए लगा है कि प्रेत योनि में कोई हो तो उनकी भी मुक्ति हो जाए। तो धुंधकारी महाराज उसी बांस में जाकर घुस गए और कथा बड़े मन से सुनी। जिसको कष्ट होता है वो बड़े प्रेम से काम करता है, बाकी लोग तो चलो भाई कथा है आए गए
लेकिन जो किसी कामना से काम करते हैं तो वह कार्य बड़े भाव से करते हैं। तो धुंधकारी ने बड़े भाव पूर्वक सात दिन की कथा श्रवण की, बाकी भक्त भी श्रवण किए, लेकिन जब सप्ताह हर दिन एक कथा होती थी, आज की कथा पूर्ण हुई तक ये गांठ का एक गांठ इसके फट जाते थे, चार तोड़े का पांच था, ये फट गए चढ़ाव से। दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, सातवें दिन की कथा में पूरा दो खंड हो गया। अब गोकर्ण महाराज जैसे कथा संपन्न किए, सुंदर विमान आया, पार्षद आए और धुंधकारी महाराज को विमान में बैठा दिए। बोले चलो महाराज तुम तो वैकुंठ चलोगे। तो धुंधकारी जब जाने लगा, अप्सराएं पंखा कर रही है, ऊपर से इंद्र आदि देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जब विमान उड़ने लगा था ग्रामवासी खड़े हो गए, महाराज ये कैसा भेद हुआ, कथा तो हम भी सुने हैं, वो प्रेत भी सुना, तो उसको विमान और हम तो ऐसे बैठे रह गए। तब गोकर्ण महाराज ने बोला कि देखो उसने कथा श्रवण की मन से अपने को उद्धार, अपने उद्धार के लिए। अब तुम लोगों ने कथा उतने विधि पूर्वक नहीं सुने, अगर तुम लोग उतने विधि पूर्वक सुनते तो तुम्हारा भी किसी तरह विमान आकर चले जाते। तो महाराज एक काम करो, पुनः कथा करो, जैसे तीन साल पहले हुई थी ना बड़ी, दूसरी कथा फिर कर दो महाराज जी। तो दूसरी कथा का प्रावधान बनाया और गोकर्ण जी ने जल्दी ही कथा का प्लान बना करके और वह कथा प्रारंभ कर दी। तो एक बार के बोले दूध की जली बिला बिल्ली और छाछ फूंक फूंक पिए, उसी तरह जो एक बार के ऐसे व्यवस्थित नहीं थे, उन्होंने क्या देखा कि एक बार तो हम मुझसे विमान छूट गया, इस बार विमान न छूटने पाए। इतने मन से उन्होंने कथा सुनी, एक एक शब्द कानों में श्रवण किया और वही सातवें दिन दूसरा विमान आया और दूसरा विमान इतना बड़ा आया है कि पूरे ग्रामवासी उसमें समा गए। जैसे रघुनाथ जी ने जब इस धरा को छोड़ करके जाने लगे तो जितने अयोध्यावासी थे उसी विमान में बैठ के सब चले गए परमधाम को, कृष्ण जाने लगे तो उसी विमान में बैठ के सब चले गए। बोले इसी तरह ग्रामवासियों के लिए सुंदर विमान आया और वह विमान में बैठ करके सभी हरिपद को प्राप्त हो गए। बोले भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए राम जी की स्थापना हुई कुछ समय पहले 22 जनवरी को, आप सभी ने जाना होगा, देखा होगा, कुछ लोग शायद जाके भी आए होंगे, नहीं गए तो जाना। और हमारे जो सिंगारी जी आए हैं चित्रकूट से चल के आए, सात दिन की झांकियां आपको दिखाने के लिए, सुंदर भगवान का स्वरूप बनाई है। तो हमने बोला भाई आज की कौन सी झांकी होगी, पहला दिन है। बोले गुरु जी आज पहली झांकी राम जी की होगी, राम जी से शुरू करते हैं, फिर कल के झांकियां आगे बढ़ाते हैं, गुरु जी प्रहलाद जी आदि आदि। तो श्रृंगारी जी ने बड़े ही सुंदर राम लक्ष्मण सीता उन्होंने श्रृंगार किया है और राम लक्ष्मण सीता जी आप लोगों के सम्मुख आने वाले हैं, झांकी का दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर कथा को विराम देंगे। आज का समय पूर्ण हुआ आप सभी के सहयोग से, तो इस कथा को आज के विराम देंगे, कल पुनः 5:30 बजे यहाँ पर पधार करके इस कथा का श्रवण करेंगे। बस कुछ ही क्षणों में झांकियाँ आने वाली है, उन झांकियों को आप दर्शन करें तो उसके बाद आरती की तैयारी करें।
I'm
मनुष्या